जौनपुर के किराकत विधानसभा में किराकत समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के 80वें जन्मदिन पर महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर शबनम नाज की आवास पर बड़े धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। उपस्थित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईश्वर से उनके लंबे आयु एवं स्वस्थ रहने की कामना की। डॉक्टर शबनम नाज की आवास पर समाजवादी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने एक साथ होकर पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही सपा नेत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शबनम किराकत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण किया और समाजवादी पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए सुनते हैं सपा नेत्री डॉक्टर शबनम नाज ने और क्या कहा। मैं किराकत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शबनम नाज, जो नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग किराकत में मरीजों को फल वितरण करने आई हुई हूँ, और इसके पहले हम अपने आवास पर नेताजी के जन्मदिन पर केक काट कर उनको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ देकर और उनकी दीर्घायु की कामना किया, और उनको उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग एक संकल्प लिया है कि 2019 में जो हम लोगों की सरकार बनने वाली है, हम महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और पुनः एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और मैं धन्यवाद देती हूं अपने जिला अध्यक्ष माननीय लाल बहादुर यादव जी और महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माला शुक्ला जी को, जिन्होंने पुनः मुझे एक बार फिर किराकत की धरती पर चुनकर मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, और मैं उनके हाथों को मजबूत करते हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के को फिर से पुनः सरकार बनाने का काम करूँगी। यही हम लोगों का लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।